मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि मैहर में बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो कथा होने वाली थी वह अब स्थगित हो चुकी है। उसकी जगह 15 अप्रैल को वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि बागेश्वर धाम महाराज की जो कथा 3 मई से 7 मई के लिए तय की गई थी वह किन्हीं कारणों से स्थगित हो गई है। उसकी जगह अब 15 अप्रैल को वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा जिसमें विंध्यवासियों को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होना है। सभी लोगों को सादर प्रणाम। बागेश्वर धाम महाराज जी की कथा 3 मई से 7 मई तक के लिए तय की गई थी। 15 तारीख को टेंट का प्रथम कार्य का भूमि पूजन रखा गया था। किन्हीं कारणों से ये कथा लगभग स्थगित हो चुकी है या स्थगित हो चुकी है, पर यह विश्वास दिलाते हैं कि मैहर में बाबा बागेश्वर धाम महाराज जी की कथा अवश्य होगी। मैहर माँ शारदा का धाम है, इसलिए हम 15 तारीख को 5 बजे जिस जगह पर कथा का आयोजन होने वाला था उस जगह पर बागेश्वर धाम महाराज जी की कृपा से हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। तो सभी मैहर वासियों से, सभी बिंद के लोगों से, जो भी जहां इस अपील को मेरी सुन रहा हो, सब लोग उस हनुमान चालीसा के पाठ पर उपस्थित हो और ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे माई शारदा, हे भगवान बागेश्वर धाम महाराज, मैहर में उस कथा का आयोजन शीघ्र हो, इसी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में।